सो गाइज वेलकम बैक, दिस इज महेश नेगी, एम एन बॉडी ट्रांसफॉर्मर। सो गाइज आज है आदि का डे वन। आदि के बारे में आप जानते होंगे गाइज, इससे पहले की जो वीडियो थी वो आपने देखी होगी। और आदि मेरे पास आया है 90 डेज की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए गाइज। और आदि की जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली, बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी प्लीज़ जाके देखिए कि आदि किस लेवल पे था और अब वो क्या बनना चाहता है। तो इन 90 दिनों में आपको देखने को सीखने को मिलेगा। तो गाइज ये हैं मिस्टर आदि। आदि क्या हाल है आपके? तो गाइज अभी प्रेजेंट कंडीशन देख सकते हो आप। मैंने आदि को बोला कि टी शर्ट रिमूव करके दिखाइए हमारी ऑडियंस को, जो लोग सोचते हैं कि यार ये मोटापा, ये चर्बी, ये चेस्ट फैट, बैक से देखो 119 किलो वजन है, 119 किलो वजन। इससे पहले देखा होगा आपने बहुत सारा माल खा रखा है यार, ये छोले भटूरे, मोमो, पिज्जा, ऐसी कोई भी चीज का नाम नहीं होगा जो आदि ने नहीं खा रखी है। तो गाइस आज के बाद सब चीजें कंट्रोल रहेंगी, बंद रहेंगी। और ये 90 दिन की जो ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, आप लोगों के लिए ये एक लेसन होगा। जो लोग ये सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, ऐसे लोग बिल्कुल अभी छोटी उम्र है, 20 साल मात्र 28 है और ये चाहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो गाइस समय ना व्यतीत करते हुए चलिए आज का वर्कआउट ऑफ द डे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। अब सबसे पहले आदि की कंडीशन अगर मैं लगाऊं तो ये गाइस इसका चेस्ट का एरिया। अब जो लोग इतने मोटे हैं, पहला रिस्क फैक्टर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये जो पार्ट है हमारे, इसे कहते हैं स्टर्नम। इसके यहाँ पे हमारा गाइस दिल होता है। अगर आप इतने मोटे हैं तो आपको अपनी जो ये कंपोनेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, फिटनेस के जो कंपोनेंट्स, इसमें आपका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, मतलब आपका जो इंटरनल, जो आपका हार्ट और लंग की कैपेसिटी है, उसको भी आपको अच्छा और ट्रेन करना बहुत जरूरी है। आज का जो वर्कआउट है कॉम्बिनेशन रहेगा कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस प्लस पूरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम रहेगा। विद एंड्योरेंस के साथ हम लोग ये फैट लॉस और वेट लॉस का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला जो कंपोनेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, वो आपका बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देख रहे हो शरीर बहुत हैवी है और ये चाहते हो, जो लोग भी चाहते हैं कि फैट लॉस और वेट लॉस हो, इन पॉइंट्स को गाइज बहुत बारीकी से देखना। वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूँ कि केवल और केवल आपकी एक्सरसाइजेस जरूरी नहीं है। अपनी बॉडी को अगर आपने एनालिसिस कर लिया, समझ लिया कि आपकी जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपका लाइफस्टाइल है, अगर आप वो आप सुधारते हो तो डेफिनेटली आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मैंने पॉइंट बताया आपको, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। आप भी आदि जैसे हैं तो बैक टू बैक आदि की वीडियो कंप्लीट जरूर देखना, आप लोगों को भी आदि से कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैंने जैसे बताया आपको अपनी कंडीशन देखनी है। बहुत फैट परसेंटेज ज्यादा है, यहाँ पे हमारा होता है हार्ट। इसको ट्रेन करने के लिए आपको सबसे पहले, जो लोग बिगनर हैं, जो लोग आदि की स्टेज पे हैं, उनको कार्डियोवैस्कुलर जो क्रॉस ट्रेनर है, अपना साइकिलिंग है या बाहर जाके वॉक है, ये आपको डेली रिकमेंडेड मैं कर रहा हूँ आपको 20 मिनट करना करना है। 20 मिनट करने के बाद गाइज अब आप आ जाएंगे जिम में या अपने घर में, जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वो देख सकते हैं आदि को। नाउ वर्कआउट ऑफ द डे क्या बनेगा, सबसे पहले हमने कार्डियो कर लिया। नाउ ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी चेक करेंगे। सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी जज करने के लिए इसे कहते हैं सिट एंड रीच टेस्ट, बैठो नीचे। अब जो आदि की फ्लेक्सिबिलिटी है, मैंने इससे पहले चेक कर ली है ये अपने लेग्स को, ये जो देख रहे हैं लेग्स, इसको 1 फुट का गैप रखेंगे और दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख के ऐसे करके इसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। यस, तो मैं आदि की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको गुड बोलूंगा, पुअर होती है अगर आप यहां से आगे ना बढ़ पाए। ये अगर आप इतना जा रहे हैं तो गाइज आपको डेली इसको स्ट्रेच करना है। ये हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी आपके लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करेगा और आपको आपके वर्कआउट के लिए रेडी करेगा, ठीक है। तो 20 से 30 रेपिटेशन इसके आपको डेली परफॉर्म करने हैं, ठीक है। नाउ अब हम स्टैंडिंग में एनालिसिस करते हैं आदि का। लेग्स वाइड सेम जो आपने वहां पे किया, लेग्स को खोल दो, फॉरवर्ड बेंड करो, टच करो नीचे। अब आप देख सकते हैं गाइज आदि की फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी है एज कंपेयर काफी सारे जो मेरे पास क्लाइंट्स हैं उनके कंपैरिजन में। करो करो, करते रहो करते रहो, ये गुड। अब इतना हैवी वेट के साथ अगर आप इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी, तो डेफिनेटली गाइज आपका आधा काम तो हो गया, वेरी गुड। अब रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं आपकी जॉइंट्स का, रोटेशन करो शोल्डर की। यस, तो गाइज आप देख लीजिए, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसीलिए एक एक स्ट्रेचिंग बता रहा हूं मैं। फॉरवर्ड 10, एंटी क्लॉकवाइज 10 दोनों साइड से, वेरी गुड। इसके बाद लास्ट करेंगे हम लेग्स वाइड, करो
पैर खोलो और अपोजिट हैंड से अपोजिट लेग को टच करना है, इसे कहते हैं गाइस विंड मिल। तो ये गाइस कम से कम इसके 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग करेगा, उसके बाद मिलते हैं आपसे।